हेलो एवरीवन माय नेम इस मनीष मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ सीजी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में डिस्क्राइब करने वाला हूँ तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसका पीडीएफ कुटुंब ऐप पर मिलेगा कुटुंब ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है वहाँ पर सर्च करना है परमेश्वरी मैम अपना डिटेल फिल करने के बाद उसके बाद परमेश्वरी मैम का जो कम्युनिटी है उनको ज्वाइन कर लेना है वहां से इस पी को डाउनलोड कर पाएंगे इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको आप पूरा पढ़ लिए तो आपने पूरा अच्छे तरीके से आप अपने आप को तैयार कर लेंगे तो वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन का पैटर्न देख लेते हैं दिस क्वेश्चन पेपर जो डिवाइड रहेगा थ्री सेक्शन होगा सेक्शन इज रीडिंग कंपैरिजन यानी कि अनसिन पैसेज और आपका नोट मेकिंग एंड समरी ट्वेंटी मार्क्स का फर्स्ट सेक्शन राइटिंग एंड ग्रामर थर्टी मार्क्स का रहेगा लिटरेचर द टेक्स्ट बुक से थर्टी मार्क्स का टोटल आपके एट्टी मार्क्स का पेपर होगा थ्री आवर्स के टाइमिंग रहेगा सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं रीडिंग ए यानी कि सेक्शन ए को देखते हैं रीड द पैसेज पैसेज को पढ़ के आपको आंसर करना है तो ये पूरा आपको पैसेज इसी तरीके से दिया रहता है पैराग्राफ वाइज दिया रहता है इसको पढ़ के आपको आंसर देने होते हैं तो इस तरह से आप पैराग्राफ को पूरा देख सकते हैं आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी सेटों में ये क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो उससे आप पैसेज को आसानी से आंसर दे पाएंगे कम्युनिकेशन स्किल आर नोन एज क्या कहा जाता है मोब स्किल प्यूपल स्किल पब्लिक स्किल तो आंसर होगा इसका प्यूपल स्किल ऑप्शन बी डैश प्ले इन सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ नाउ अ डे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फ्रेंड होगा इसका इन डैश रिसीव एच मस्ट एस यू गिव तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंडशिप इसमें आपका आंसर आएगा फ्रेंडशिप उसके बाद रिफ्लेक्टिंग इमोशन स्किल इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डैश स्किल तो इसका होगा कम्युनिकेशन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर वी फील पेन वैन वी आर अ वे फ्रॉम आवर डैश तो इसमें आएगा फैमिली तो ये सारी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है इस तरह से आपको फिलअप के फॉर्म में भी क्वेश्चन रहेगा फ्रेंडली प्ले अ डैश पार्ट ऑफ अवर लिवस इसमें है विटल आ जाएगा दोस्त हूँ लेक फ्रेंड सफर फ्रॉम डैश डिस्पर्जन वन कैन से अ डैश टू फ्रेंड बट नाउ विद एनी अदर रिलेशनशिप इसका आंसर होगा एवरी थिंग वी ग्रो आवर फ्रेंडशिप बाय डैस दैम नर्टिंग उसके बाद आपका द वर्ड टैस इज यूज इन पैसेज इन द बेसिक फंडामेंटल एलेवेंथ में आपका आ जाएगा अपॉर्चुनिटी इस तरह से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है सिर्फ आपको हर तरह से क्वेश्चन को प्रिपेयर रखना है उसके बाद आपको फिर से आपको एक पैसेज दिया गया इस पैसेज को आपको पढ़ कर यहाँ पर नोट मेकिंग करना है यहाँ पर द ओल्डेस्ट थिंग ऑन द प्लानट आर रॉक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं इस तरह से आपके इसके नोट मेकिंग बनाने का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर अलग अलग आपको ये आप दिख रहा है मेन टाइटल है यानी कि मेन हैडिंग है उसके अंतर्गत जो जो चीज़ें लिखा है द ओल्डेस्ट थिंग कवर द होल अर्थ फाइंड इन फिर ये चीज़ें कुछ है सिटीज कंट्री ओशियन अंडर द सॉइल इग्नस रॉक मेड फ्रॉम मैगमा पूज एस लावा बिकम इग्नस रॉक फिर आपको ये एब्रीविएट भी यूज़ करना है तो इस तरह से इसका फॉर्मेट आप समझ सकते हैं एक एक तरह के क्वेश्चन को आप लेकर अपना आपको तैयार कर सकते हैं। इस तरह से और यहाँ पर एब्रीविएट करना बहुत ही ज़रूरी है जितने ने आपने एब्रीविएट किए उनको आपको नीचे नोट करना है फिर आपकी इसके समरी लिखना है एक नंबर आपके टाइटल के लिए मिलेंगे थ्री मार्क्स आपके समरी को लिखने के लिए मिलेगा तो इस तरह से आपको इसका आंसर करना है तो इस तरह से आपको पूरा देख लेना है उसके बाद है राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन से यू आर रोहन रोमा प्रेसिडेंट ऑफ कल्चर फोरम ऑफ योर स्कूल एंड इंटर स्कूल डांस कंपटीशन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल राइट एंड नोटिस योर स्कूल नोटिस बोर्ड एंड करिंग द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कल्चर फोरम ऑफ योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एंड इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन ऑन द ओकेशन ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशन द प्रोग्राम विल कमेंट टेन ए एम ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इन स्कूल ऑडिटोरियम एंट्री इज़ फ्री फॉर द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फिर आपका रोहन रोमा प्रेसिडेंट कल्चर फोरम फिर आपका है यू हैव लॉस्ट योर पर्स इन द बस ड्रॉप एन एडवर्टाइजमेंट एडवरटाइजमेंट सुटेबल टू बी गिवन इन द लोकल डेली न्यूज पेपर इज अबाउट फिफ्टी वर्ड पर आपको आंसर करना है तो लॉस्ट रेड लेदर पर्स इन आदर्स बस सर्विस वाइल्ड ट्रेवलिंग बिटवीन जांजगीर टू चापा बिसाइड कैसे इट कंटेन सम वेरी इंपॉर्टेंट बिल्स एंड रिसिप्ट फाइंडर विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड प्लीज़ कॉन्टेक्ट आकाश शुक्ला बी फोर्टी वन न्यू चंदनियापारा जांजगीर आपका मोबाइल नंबर जो भी आपको डिटेल इस फॉर्मेट पर आपको तैयार करना है फिर आपको है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइटर लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम समर वैकेसन हॉलीडे विद यू राइट अ लेटर म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ योर लोकेलिटी इन फॉर्मिंग हिम अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन एंड मॉस्किटो मैंसेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको लिखने का तरीका आना चाहिए इस तरह से इनके आंसर रहेंगे इतना बड़ा आप लिख सकते हैं जो चीज़ आप यहाँ पर बताना चाहते हैं वो बताएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फिर आर्टिकल राइटिंग ये कुछ है रूल ऑफ मॉडर्न गैजेट्स इन अवर डेली लाइफ इन्वामेंट पॉल्यूसन अ ग्लोबल प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट ऑफ़ योगा इस्टूडेंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन अवर डेली लाइफ फिर ये ग्रामर के कुछ क्वेश्चन हैं जो अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है इसी तरह के आपके ग्रामर के क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख लेना नीचे की और उसके पूरे सॉल्यूसन हैं तो इस तरह से अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आए तो बता सकते हैं इस तरह से उसके आंसर है प्रैक्टिस के लिए आप लोग बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जितना ज़्यादा आप ग्रामर को प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए ईजी रहेगा इस तरह से बहुत सारे इसमें आपको ग्रामर दिए हैं जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए ईजी रहेगा तो ग्रामर में आपके किस तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके रिलेटिव क्लॉस वाले क्वेश्चन हैं एस सुन एस की जगह पर नो सुन और दैन यूज करना है चेन द वॉइस चेन द नरेशन सब ऑर्डिनेट क्लॉस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदलना है असरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है निगेटिव सेंटेंस बनाना है क्वेश्चन टैग है यू टू और टू का प्रयोग करना है सिंपल प्रजेंटेंस में कन्वर्ट करना है नॉन क्लॉस को अंडरलाइन करना है चेन द वॉइस करना है सो so दर तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं तो ये सभी का आंसर आपको नीचे की ओर देख रहे हैं फिर आपका फ्लैमिंगो बुक से आता है तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका एक पैसेज हो गया वाई एम सी ए स्विमिंग पूल के बारे में पूरा बताया गया है डीप वाटर चैप्टर से तो वाई एम सी ए पूल रिसिव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज ये आंसर है ऑप्शन सी होगा इसका आई डैश विद माई न्यू वाटर विंग्स तो इसका आंसर होगा पैडल्ड फिर आपका द नरेटर वेंट टू पूल वैन द प्लेस वॉस क्वाइट फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है डैश वॉज एज वाइट एंड क्लीन इसका होगा द टिल्ड बॉटम फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है पोएम पैसेज होगा इस तरह से यहाँ पर आप आंसर भी देख पा रहे होंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको वन बाई वन इसमें बताएगा द पोएट वांट डेट ही शुड नॉट बी डैश तो इसमें टोटली कन्फ्यूज ऑप्शन सी होगा द पोएट वॉन्ट नो ट्रक विद द डैश इसमें दैथ आएगा द नरेटर काउंटअप टू इसमें आएगा ट्वेल्व फिर आपके कौन कौन से क्वेश्चन है जो फ्लैमिंगो बुक से तीन क्वेश्चन आ सकता है तो इसमें वर्ड चेंज डिट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉस इन स्कूल डेट डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई वॉज डिटर माइंड गेट ओवर हिस् फ़ियर ऑफ वॉटर ये दोनों ही क्वेश्चन आपको तैयार करना है इसी लेंथ पर आप तैयार कर सकते हैं तो इस ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना है फिर आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फिरोजाबाद किस लिए फेमस है तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद

फिर आपका नेक्स्ट राजकुमार शुक्ला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सौ प्रतिशत ये क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बींग रिसोल्यूट लिस्ट द प्लेसेस गांधी जी विजिटेड बिटवीन फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड अराइवल एट चंपारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आप तैयार कर लेंगे फिर आपका एक क्वेश्चन आएगा प्रांज या फिर आपको एम हेमल दोनों ही आपको तैयार कर लेना है इसके आंसर आपको नीचे की ओर दिख रहा है किस तरह से आपको कैरेक्टर स्केच को लिखना है तो इस तरह से आप इसके फॉर्मेट को समझ लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है एक ही क्वेश्चन आएगा आपके फ्लैमिंगो बुक से जो लॉन्ग कंपोजिशन रहेगा ये आंसर आप देख सकते हैं इसको तैयार कर लेंगे फिर विस्टाज बुक से आएगा आपका उसके बाद है आपका वेंजर डेर द टाइगर किंग फिश ड्यूरिंग हिज टाइगर हंटिंग इसका आंसर है ड्यूरिंग हंटिंग टाइगर द महाराजा एट टाइम मिस एट मार्क वाइल फायरिंग एट द बेस्ट सम देयर वुड बी मिस फायर एंड द टाइगर वुड लिप अपॉन हिम एंड वाइलेंट फाइट बिटवीन द टू फॉलोड तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको तैयार करना है ये क्वेश्चन डू यू थिंक द थर्ड लेवल वॉज मीडियम एस्केप फॉर चार्ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही आपको तैयार कर लेना है फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाव वाला क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है हु वॉज डॉक्टर सदाव वेयर वॉज हिज हाउस डॉक्टर सदाव इज अ फेमस जापानीज डॉक्टर थे दिस हाउस वॉज़ बिल्ट ऑन द स्पॉट ऑन द जपानीज कोस्ट द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपन रॉक वैल अबाउट नैरोच फिर आपको टाइगर किंग का एक याद कर लेना है कैरेक्टर स्केच प्रतिबंधपुर के राजा थे जिलानी जंग जंग बहादुर वॉपुलरली नोन है टाइगर किंग से लेकर ये पूरा आप देख सकते हैं इस तरह से आपका क्वेश्चन है मॉडर्न वन वर्ड यानी कि जो आधुनिक है फ्यू फूल ऑफ इनसिक्योरिटी फीयर वॉर वरी एंड स्ट्रेस वॉट आर द वे विच अटेम टू ओवरकम दैम इम्पॉर्टेंट है इसको आप तैयार कर ले इसके आंसर आपको नीचे की ओर है तो इस तरह से आपके पूरा पेपर होता है इसको आप तैयार कर लेते हैं और भी आपको बताया जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है लेकिन इस पेपर को पूरा तैयार कर ले सौ प्रतिशत अच्छे से देख ले थैंक यू फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच